नमस्कार, मैं हेना प्रसून एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबों के समक्ष ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम को लेकर। मैं आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज चर्चा का विषय, आपको याद होगा कि पिछले दिनों हमने राशि से जुड़ी हुई कुछ राशियों के बारे में बात की कि उस राशि के लोग कैसे होते हैं, उन्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो किस तरह का स्वभाव रखते हैं, मिजाज रखते हैं। इसी क्रम में आज मैं एक और एपिसोड लेकर आई हूँ और आज बात करूँगी धनु राशि वाले लोगों के बारे में। आइए एक छोटी सी चर्चा धनु राशि वाले लोगों के बारे में कि कैसे होते हैं धनु राशि के लोग। अगर ये आपको लगे कि हाँ, अगर आप धनु राशि के हैं या आपके परिवार में कोई धनु राशि के लोग हैं और उनसे ये कैरेक्टर स्केच मैच करता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जैसा मैंने कहा वैसा होता है या नहीं। मैं जो आपके सामने धनु राशि वाले लोगों के बारे में जो मैंने लिखा, जो वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे है, मेरे जीवन में जितने भी धनु राशि के लोग को मैं जानती हूँ उनके विषय में मैंने लिखा है। मैंने ज्योतिष की किताब में नहीं कंसल्ट किया कि क्या सही है क्या गलत है, तो इस तरह से आप बताइएगा कि आपके जीवन से मैच हो रहा है या नहीं। चर्चा शुरू करूं इसके पहले आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पसंद आने पे लाइक कीजिए तथा वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, इससे मुझे बहुत खुशी होती है। चलिए बात शुरू करती हूँ धनु राशि वाले लोगों के बारे में। तो धनु राशि वाले लोग सुगठित शरीर के होते हैं, दिखने में सुदर्शन व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, सुगठित शरीर होता है। और इन जनरल देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग ये बात है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि धनु राशि के लोग ज़्यादातर धनवान होते हैं। अब ये बताइएगा, पता नहीं क्यों, शायद बृहस्पति प्रधान राशि हैं, आपके राशि स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति जितना एक्सपेंशन, उनके कहते हैं कि एक बृहस्पति में 20 पृथ्वियां समा जाएंगी, तो जब इतने विशाल आपके राशि स्वामी हैं तो मन में उदारता कूट कूट के भरी रहती है। अगर आपका बस चले तो आप क्या न क्या दे दें आपको जो लोग अच्छे लगते हैं, बहुत उदार, बृहस्पति ग्रह के गुणों को पूरी तरह से समाहित किए हुए आप बहुत ज्ञानी होते हैं, आप में ज्ञान भी कूट कूट के भरा रहता है क्योंकि देव गुरु हैं बृहस्पति और आप अपनी बात को बहुत अच्छे से रख सकते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं, चापलूसी आप नहीं कर पाते, आप थोड़े से अनटैक्टफुल ज़रूर होते हैं, जहाँ पे आप काम निकलवाने के लिए कभी भी किसी की चापलूसी नहीं कर सकते। अब ये मैं नहीं कह सकती कि आप अपने लिए आपको चापलूसी करवाना पसंद है या नहीं, तो ये आप कुछ बातें हैं आपके लिए। आपका IQ लेवल एबव एवरेज होता है, आप एबव एवरेज IQ लेवल के मालिक होते हैं और आपको दर्शन और फिलॉसफी ऐसे सब्जेक्ट्स बहुत पसंद हैं। देखिए, अगर आप धनु राशि के हैं और अगर आपके द्वादश भाव में 12वें भाव में बृहस्पति हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपके लिए आध्यात्मिक प्रगति आपके लिए बहुत मायने रखती है। आप अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं कि मुझे जीवन के मर्म को समझना है और मुझे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना है, क्या होता है आध्यात्मिक प्रगति, क्या होती है इस सांसारिकता से दूर हट के आगे की दुनिया क्या होती है, क्या रहस्य है, इसके लिए आप बड़े इच्छुक रहते हैं, बहुत प्रवृत्त रहते हैं। आप निर्णय लेने में आप थोड़े से कभी कभी शेकी हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग आपके लिए आसान नहीं होता, आप निर्णय लेने में बहुत टाइम लगाते हैं, आप शायद इतना टाइम लगाते हैं कि जिस कार्य के लिए निर्णय लेना था वो कार्य ही आउटडेटेड हो जाता है या वो स्वतः ही उसकी एक्सपायरी डेट समाप्त हो जाती है। तो ये एक आध चीज़ जो मैंने गौर किया, आप लोग फैमिली मैन फैमिली वुमेन होते हैं, धनु राशि वाले लोग अपनी फैमिली के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि उनका परिवार है और वो अपने परिवार के लिए, अपने मम्मी पापा भाई बहन बच्चों के लिए, हस्बैंड देखिए के लिए आउट ऑफ वे जाकर हेल्प करते हैं, वो अपने परिश्रम से, अपनी लगन से या अपने कॉन्टैक्ट से,
अगर उनको किसी भी तरह से अपने वो फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, तो वो करते हैं, वो कभी पीछे नहीं हटते और उन्हें कभी भी दुविधा नहीं होती है। तो इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन कहने का मतलब ये नहीं कि वो परिवार के लिए अपने करियर को दांव पे लगा दें। करियर माइंडेड होते हैं, करियर ओरिएंटेड होते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। वो ज़्यादातर बहुत अच्छे प्रोफेसर होते हैं, टीचर्स होते हैं, बृहस्पति से जुड़े हुए जितने भी गुरु, बृहस्पति से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं रोजगार के, व्यवसाय के, नौकरी के, वैसे करते हुए ज़्यादातर पाए जाते हैं। दैनिक जीवन में गतिशील और दीर्घकालिक जीवन में स्थिर पाए जाते हैं। अपने घर को, अपने ऑफिस को, अपने कार्य क्षेत्र को हमेशा ब्यूटीफाई करते हैं, रिनोवेट कराते हैं। जहाँ पे वो रहते हैं उसको बहुत, उस जगह को बहुत सजा संवरा रखते हैं, प्रिम एंड प्रॉपर रखते हैं। ये धनु राशि वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खासियत होती है। ये जोडियक बेल्ट के सबसे ज़्यादा आशावादी राशियों में से एक हैं। ये कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, ये हमेशा आशावादी बने रखते हैं और इसके लिए वो थोड़े से इम्प्रैक्टिकल भी कभी कभी हो जाते हैं। अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के लिए बड़े बहुत ही स्ट्रांग इनकी लाइक्स और डिसलाइक्स होती है। ये पसंद है तो ये पसंद है और ये नहीं पसंद है तो ये नहीं पसंद है। आप इन्हें कन्विंस नहीं करा सकते, मना नहीं सकते। धनु राशि के लोग नॉर्मली आइडियलिस्ट होते हैं। उन्हें एक आदर्शवादी समाज, आदर्शवादी देश की कल्पना रहती है। वो बहुत आदर्शवादी होते हैं। चूंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे फिर से जुपिटर का रोल आ जाता है, वो आदर्शों से जुड़े हुए होते हैं, बहुत ट्रेडिशनल होते हैं। नई चीज़ों को अपनाना या नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना, उसमें वो थोड़े झिझकते हैं। बहुत उनके लिए आसान नहीं होता है नई चीज़ों के लिए अपने को तैयार कर पाना। बहुत पसंद है, काफ़ी स्वतंत्र मानसिकता के लोग होते हैं। उन्हें घूमना फिरना और ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। ट्रैवलिंग वो ऐसे लेसर नोन जगहों पे जाना चाहते हैं, ऐसी नई देश को घूमना चाहते हैं जहाँ की कल्चर, जहाँ की फिलॉसफी उनके अपने बैकग्राउंड से बिल्कुल अलग हो। उसको देखने में, समझने में उन्हें बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। डिफरेंट फिलॉसफीज को समझना, बहुत दूसरे दर्शन शास्त्र को समझना उन्हें बहुत पसंद है। अब अगर बात करूं कि धनु राशि वाले लोगों को क्या नहीं पसंद है, तो उन्हें क्लिंगी पीपल नहीं पसंद है, जो लोग फेविकॉल के जैसा आपसे चिपक जाएं। ऐसे चिपकू लोग उन्हें नहीं पसंद होते हैं। उन्हें इंडिपेंडेंट लोग पसंद हैं, जिनसे वो खुद कुछ सीख सकें या जिनसे खुद वो आकर्षित हो सकें, वो वैसे लोग उन्हें अच्छे लगते हैं। पैरासाइट टाइप के लोगों से ये दूरी बना के रखते हैं। और किसी भी तरह का कॉन्स्ट्रेंट नहीं पसंद है, और ईश्वर इन्हें अपने जीवन में इतना देते भी हैं कि इन्हें किसी तरह का अभाव नहीं रहता। और यही है कि इनके बारे में अगर कुछ डिमेरिट है इनके लिए, इनकी राशि में, तो वो ये है कि दे आर बिट अनटैक्टफुल एंड दे कैन से एनीथिंग नो मैटर हाउ अनडिप्लोमैटिक इट इज़। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। बोलने के पहले आप देख लीजिए कि थोड़ा सा वो, अगर आप डिप्लोमेटिकली सिचुएशन को हैंडल कर लें तो आपकी पर्सनालिटी में और चार चांद लग जाएंगे। और एक है कि आप उतना ही प्रॉमिस कीजिए लोगों को जितना आप डिलीवर कर सकते हैं। तो इस इन थोड़ी सी एक दो बातों का ध्यान रखा जाए तो मुझे लगता है कि धनु राशि के लोग इस जोडियक बेल्ट के, इस राशि चक्र के कुछ चमकते सितारों में से एक हैं। और आप बताइएगा ये मेरा असेसमेंट आपको कैसा लगा, आप इससे कुछ ताल्लुकात रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं। और मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। जाने के पहले आपसे फिर पुनः आग्रह करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें तथा लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।